हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिशिंग अटैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिशिंग का मतलब क्या होता है और आपको इससे कैसे बचना है। आइए जानते हैं फिशिंग का मतलब क्या होता है। फिशिंग एक बहुत कॉमन स्कैम है जो कि फ्रॉडस्टर के द्वारा लोगों को फंसाने के लिए यूज किया जाता है। ये स्कैम काफी सालों से चलता आ रहा है। फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें फ्रॉडस्टर के द्वारा आपको ईमेल या मैसेज भेजा जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ये ईमेल किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया है, जैसे कि FB, इंस्टाग्राम या आपका बैंक। और उन ईमेल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि सामने वाले को कोई शक ना हो। और इन ईमेल्स में कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है या फिर आपको कोई ऑफर मिल रहा है, ताकि वो मैसेज पढ़ने के बाद यूज़र का उसी पे ध्यान जाए। और उसमें एक लिंक भी दिया होता है, जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है उसके डिवाइस में मालवेयर आ जाता है या फिर कोई लिंक उसको फेक वेबसाइट पर ले जाता है। फिर उनकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फ्रॉडस्टर उनके साथ फ्रॉड कर देता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपको इससे कैसे बचना है। कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। अपने डिवाइस में एंटी फिशिंग टूल बार इंस्टॉल रखें। किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स न डालें और अपने डिवाइस में हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल रखें और फायरवॉल भी। और वेबसाइट के URL को अच्छे से चेक करें। जो पॉपअप मैसेजेस होते हैं उन पे बिना सोचे समझे ट्रस्ट ना करें। उनमें मालवेयर होता है जो कि आपके डिवाइस को हैक करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ये थे फिशिंग अटैक से बचने के तरीके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।